हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग साइंस के मॉक टेस्ट 11 के लिए बात करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? तो देखिए, जो काइटिन की जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणु और कवक दोनों की होती है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, दही जमाने में मदद करने वाला जीवाणु है। दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु है जो कि मददगार है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइजोबियम, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, दूध से दही बनाने के लिए जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं राइजोबियम की, तो जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायता करता है। देखिए, राइजोबियम जो होता है, जितने भी मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ये कैप्चर करके फिक्स करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस जो ग्रीसियस है उसका अगर हम लोग यूज करें तो देखिए, इससे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक बनाई जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में ये यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में है सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। पहला हमारा है किण्वन। जो किण्वन प्रोसेस है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो जो ए है किण्वन की जो खोज की थी उसको लुई पाश्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से मिलेगा ये। अगर बी की बात करें तो जो विषाणु होता है, विषाणु को जो खोज किया था वो उसको किया था इवानोवास्की ने। बी जो है वो ऑप्शन नंबर फोर से मैच होगा। आगे बात करते हैं जीवाणु की, तो जो जीवाणु है उसकी जो खोज किया था उसको किया था एंटोनी वॉन लीवन हाक। ऑप्शन नंबर टू से ये मैच होगा। और आगे बात करते हैं पेनिसिलियम की, तो देखिए, जो पेनिसिलियम की खोज हुई थी वो पेनिसिलियम नाइट्रेटम नामक फंजाई में हुई थी और जो खोजकर्ता थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है 3, 4, 2 और 1। इस प्रकार से हम लोग का सीक्वेंस बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लोगे कि किस चीज़ का खोज किसने किया था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। न्यूमोनिया रोग का कारण है, जो निमोनिया रोग होता है उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए हमारा है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक और डी है प्रोटोजोआ। देखिए, इस क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो निमोनिया होता है वो जीवाणु कण होता है। देखिए, कुछ और भी जो रोग होते हैं वो जीवाणु कण होते हैं, जैसे क्या हो गया आपका प्लेग हो गया। प्लेग भी क्या होता है, जीवाणु की वजह से होता है। आगे बात करते हैं काली खांसी हमारी हो गई, काली खांसी ये भी जीवाणु से होता है। अगर और बात करें जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग हो गया, ये भी जीवाणु से होता है। टिटैनस हो गया, ये भी क्या होता है, जीवाणु से ही होने वाला रोग है। आगे आपका टाइफाइड है, टाइफाइड, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है। और आपका एक हैजा हो गया। ये जो है वो फेमस डिजीज हैं जो कि जीवाणु से होते हैं। हम लोग इनको याद कर लेंगे क्योंकि इन्हीं के बीच में से एक आपसे उठा के पूछ सकता है कि कौन सा जीवाणु से होता है। विषाणु की बात करें तो जो वायरस से होने वाला जो बीमारी है उसकी अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ए जो हो गया वो भी विषाणु से आपका होता है। चिकन पॉक्स आपका हो गया, चिकन पॉक्स ये भी क्या होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। आगे बात करते हैं एड्स, जिसका एचआईवी वायरस होता है। रेबीज आपका हो गया, रेबीज भी आपका क्या होता है, वायरस से होता है। पोलियो हो गया, हम लोग बोलते हैं ना पोलियो वायरस से, पोलियो वायरस, पोलियो भी वायरस से होता है। तो ये सब आपके विषाणु से हो गए। कवक से बात करें तो कुछ ऐसे जो डिजीज होते हैं वो कवक से होते हैं, जैसे आपका एक आता है इसमें एथलीट फूट, एथलीट फूट जो होता है वो भी क्या होता है, कवक से होता है। और आपका एक होता है गंजापन, ये भी कवक से होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है गंजापन किससे होता है। और रिंग वॉर्म तो सभी जानते हैं कि जो आपका कवक से होता है, रिंग वॉर्म। आगे बात करते हैं अस्थमा। देखिए, एक अस्थमा डिजीज होती है जो कि कवक से होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। प्रोटोजोआ से बात करें तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, कालाजार होता है, कालाजार, पेचिस होता है और मलेरिया आपका होता है। जो मलेरिया परजीवी होता है वो भी प्रोटोजोआ से ही होता है। आगे है पायरिया, जो कि दांत में होता है, ये भी क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है।
और एक हो गया स्लीपिंग डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं निद्रा रोग। ये भी क्या होता है, ये भी आपका प्रोटोजुआ से होता है। तो इसको आप लोग याद कर लोगे कौन कौन से डिजीज किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कवक के प्रोटोजुआ से होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है निमोनिया, वो आपका किससे होता है, वो आपका जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से कौन सा या फिर से रोग मक्खियों से फैलता है, फैलते हैं, ऐसे कौन से रोग हैं जो मक्खियों से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है डेंगू, दूसरा है पेचिस, तीसरा है कालाजार और चौथा है निद्रा रोग। तो देखिए डेंगू जो है वो मच्छर काटने से होता है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारा पेचिस होता है, कालाजार और जो निद्रा रोग होता है, वो सभी जो है वो मक्खियों से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा, जो हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से सुमेलित है, ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित है, उसे हमें देखना है। तो लुई पाश्चर चेचक से जो है, लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का खोज किया था। दूसरा है एडवर्ड जेनर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। तीसरा है जीवाणु की खोज एना वीना ने किया था। और जो है कवक से पेनिसिलियम प्राप्त होता है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सिर्फ वही सही सुमेलित है जो कवक होता है। और जो आपका पेनिसिलियम नामक जो दवा होती है वो कवक से प्राप्त होती है। किस कवक से? पेनिसिलियम नाइटेटम नामक कवक होता है, जिससे पेनिसिलिन दवा प्राप्त होती है। बात करें अगर लुई पाश्चर की, तो हमने क्वेश्चन देख लिया है कि ये किसका खोज किया है, किण्वन का खोज किए हैं। जो किण्वन प्रोसेस होती है उसका खोज जो हुआ है वो लुई पाश्चर ने किया है। जेनर की बात करें तो जो एडवर्ड जेनर है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए फेमस थे, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसके लिए। और जो जीवाणु है हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में, उसकी जो खोज की थी वे ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो हम लोग लिख लेते हैं, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो आई होप कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है, तो मॉट टेस्ट किससे संबंधित है। ये देखिए क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। बिडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। आप जब भी रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर टाइफाइड नहीं लिखा रहता है, वहाँ बिडाल टेस्ट लिख करके अगर किसी को टाइफाइड है तो वहाँ आपका सही का टिक लगा रहता है, फिर पॉजिटिव लिखा होता है। तो बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, और जो मॉट टेस्ट होता है वो टीबी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तपेदिक के लिए क्या होता है? मॉट टेस्ट होता है। देखिए एक और होता है एलिसा टेस्ट है। जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? एचआईवी के लिए होता है। अगर किसी को एड्स है तो उसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम, बी है ट्रिपेनोसोमा, सी है वेरियोला वायरस और डी जो हमारा है वेसलेस टिटेनी है। तो देखिए जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और हम जानते हैं जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपका मलेरिया रोग का कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा। देखिए जो ट्रिपेनोसोमा होता है उससे हमें निद्रा रोग होती है, निद्रा रोग। बात करें हैं वीरियोला वायरस की, तो जो वीरियोला वायरस होता है उससे हमें चिकन पॉक्स होता है, हमें ये भी याद रखना है। चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है वो किससे होती है? वीरियोला वायरस से होती है। आगे बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वेसलस टिटेनी, तो देखिए जो वेसलस टिटेनी होता है उसे टीटेनस रोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना टिटेनी, तो यहाँ इससे क्या होता है? टीटनेस रोग होता है, टीटनेस इससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बंकी टॉप ऑफ बनाना जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? देखिए जो बंकी टॉप ऑफ बनाना है वो केले के पेड़ में होने वाली बीमारी है, वो किसके वजह से होती है हमें ये बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। तो जो बंकी टॉप ऑफ बनाना होता है वो विषाणुओं से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी बीमारी मनुष्य एवं मवेशी दोनों में होती है? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मनुष्य और मवेशी दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कालाजार, जो बी हमारा है वो है कुष्ठ रोग, यहाँ बी रहेगा, यहाँ जो सी है वो खसरा है और डी जो होता है वो एंथ्रेक्स। तो देखिए जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो पशुओं और मनुष्यों दोनों में होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया है, कौन है जो चेचक के टीके का आविष्कार किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है रोनाल्ड रास,
बी हमारा है रॉबर्ट कोच, सी है एडवर्ड जेनर और डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए चेचक के टीके की अगर खोज की बात करें तो एडवर्ड जेनर नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रोनाल्ड रॉस की, जो ऑप्शन नंबर ए है, रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? तो देखिए जो मलेरिया के परजीवी होता है, मलेरिया परजीवी, उसकी खोज को रोनाल्ड रॉस ने किया था। अब बात करते हैं रॉबर्ट कोच की, तो जो रॉबर्ट कोच है वो टीबी बैक्टीरिया की खोज किए थे, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, और एंथ्रेक्स भी संबंधित ये हैं, एंथ्रेक्स के भी संबंधित है ये। आगे है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। कहाँ से की थी? पेनिसिलियम नाइटेटम नामक फंजाई से किया था इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्न में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक के रूप में इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग किसी चीज में उसको मिलाते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कॉपर सल्फेट, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है अमोनियम सल्फेट और डी हमारा है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए जो सोडियम बेंजोएट होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है, वो परिरक्षक के रूप में कार्य होता है, इसका किया जाता है परिरक्षक रूप में। जैसे मान लीजिए हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं तो हम लोग सोडियम बेंजोएट अगर मिला देते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है, यहाँ देखिए 18 में भी पूछा गया है इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का जो उपयोग है वो किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है अल्कोहल, बी है दही, सी है चीनी और डी है साधारण नमक। तो देखिए जो ईस्ट होता है उसका उपयोग अल्कोहल बनाने में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है? देखिए इसी प्रकार से क्या करेगा, चार पांच बीमारियां दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा जीवाणुओं द्वारा है, कौन सा बैक्टीरिया द्वारा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जीवाणुओं द्वारा। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा था कि जीवाणुओं द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है मलेरिया। तो देखिए जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी हो ही नहीं सकता है। फिर भी पढ़ लेते हैं, पोलियो है, म्यादी बुखार है। आगे पढ़ते हैं छोटी माता, तनिका सोथ है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजाइटिस और तपेदिक टीबी। अगला हमारा है तपेदिक, न्यूमेनिया और टाइफाइड। चौथा हमारा ऑप्शन है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, तपेदिक जिसको हम बोलते हैं टीबी, न्यूमोनिया और म्यादी बुखार जो होते हैं वो आपके जीवाणुओं से होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 पर विचार कीजिए, जिनमें सूची 1 में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं, इधर सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं, और क्या करा, सूची 2 में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिससे वे संबंधित हैं। तो हमें मिलान करना है, तो हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सूची नंबर 1 है उसमें पहला दिया है एस्परजिलस। तो देखिए जो एस्परजिलस होता है वो क्या है, तो वो एक कवक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उससे मिलान इसका होगा। आगे बात करते हैं जो लैक्टोबैसिलस हमारा है वो क्या है, तो जो लैक्टोबैसिलस है एक जीवाणु है जो कि क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। अगला हमारा है पैरामीशियम, तो जो पैरामीशियम होता है वो क्या है, वो आपका एक प्रोटोजोआ है। जो पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। आगे हमारा है स्पायरोगैरा, तो जो स्पायरोगैरा है वो आपका एक एल्गी है, इसका मतलब शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा ये। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा कैसे बनेगा सीक्वेंस, ये हमारा बनेगा 3, उसके बाद क्या बनेगा, 2 बनेगा, फिर बनेगा 4 और फिर बनेगा 1। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो का कारण है, पोलियो का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है, यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है फफूंदी, बी है प्रोटोजोआ, सी है विषाणु और डी है बैक्टीरिया। तो देखिए जो पोलियो होता है वो किस वजह से होता है, जो पोलियो होता है वो होता है वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु की वजह से पोलियो होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पोलियो वायरस, तो विषाणु की वजह से ही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में खोज दी गई है। अब हमें मैच करना है ये कौन से वैज्ञानिक ने किसको खोजा गया है, किसको खोजा है। तो हम लोग देखते हैं, पहला हमारा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग है उन्होंने किसको किसका खोज किया था, तो जो हमारा है चेचक का टीका, जो फ्लेमिंग थे उन्होंने किसका खोज किया था, वो किए थे आपके पेनिसिलियम का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा है एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था,
ये आपका हुआ था चेचक के टीके का, ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेगा। आगे है लुई पाश्चर, तो इन्होंने किण्वन का खोज किया था, ये ऑप्शन नंबर बी से मैच होगा। और आगे है रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच जो है वो एंथ्रेक्स के टीके खोज किए थे, ऑप्शन नंबर ए से मैच होगा। तो इस प्रकार जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा 4, 5, 2 और 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है, प्रतिजैविक के उपचार में कौन सा प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लुएंजा, बी है हेपेटाइटिस, सी है डेंगू बुखार और डी है हैजा। तो जो हैजा होता है वो प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलियम प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है, जो पेनिसिलियम जो दवा है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु से, बी है फफूंदी से, सी है शैवाल से और डी है नीलहरित शैवाल से। तो जो पेनिसिलियम होता है वो आपका फंजाई से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पेनिसिलियम होता है वो पेनिसिलियम नाइटेटम नामक फफूंद से प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, जो प्रोटिस्टा में जो भी आपके जीवधारी रखे जाते हैं उनका संबंध कैसा होता है, वो कैसे होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है एक कोशिकी होती हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, दूसरा है एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, तीसरा है बहुकोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और चौथा है बहुकोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वायरस के कारण पैदा होने वाले रोग है, ऐसा कौन सा रोग है जो कि वायरस की वजह से होता है? देखना है हमें कौन सा पेयर सही होगा इसका। पहला हमारा है चेचक और रेबीज, दूसरा है मलेरिया और हैजा, तीसरा है टिटेनस और खसरा, चौथा है प्लेग और न्यूमोनिया। तो वायरस से पूछा गया है, तो देखिए जो चेचक और रेबीज होता है वो वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दंत क्षरण का कारण है, दंत क्षरण का क्या कारण है? जो हमारा दांत होता है उसका क्षरण होता है, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है इनेमल का कठोरीकरण, दूसरा है डेंटिन का कठोरीकरण, तीसरा है इनेमल तथा डेंटिन का मृदुकरण, चौथा है दंत प्लाक का विखंडनीजीकरण। तो देखिए जो इनेमल होता है वो आपके अर्थ का सबसे जो हार्ड पार्ट होता है वो होता है, तो जब इनेमल और डेंटिन जो होता है उसका जो मृदुकरण हो जाता है तब दंत क्षरण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है, एचआईवी किसको संक्रमित करता है? पहला है साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स को, बी है सहायक लिम्फोसाइट्स को, सी है किलर लिम्फोसाइट्स को और डी है कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स को। तो जो एचआईवी होता है वो सबसे पहले अटैक करता है हेल्पिंग लिम्फोसाइट पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो सहायक लिम्फोसाइट्स होते हैं सबसे पहले वही प्रभावित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिक्रेटीन, बी है प्रोलेक्टिन, सी है एमाइलेज और डी है पैथोजन। तो जितने भी एजेंट होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है। देखिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो एक प्रोटोजोआ है, उससे कौन सा रोग होता है वो देखना है। पहला हमारा है मलेरिया, दूसरा है पेचिस, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है पीलिया। तो जो पेचिस होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज के टॉप 25 क्वेश्चन, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।